हम बहुत अधिकार की बात करते हैं, अधिकार कि भाई कौन कौन से अपराधियों का अधिकार है, लेकिन इन सब में हम भूल जाते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसका भी अधिकार है, उसके माता पिता का भी अधिकार है, जो जो माता पिता जिनकी बेटी गई है उनका भी अधिकार है। उनका एक सबसे बड़ा अधिकार तो ये है कि उनको न्याय मिले, और उस न्याय मिलने का सबसे बड़ा अधिकार है कि न्याय समय से मिले। ये सब बातें जो है, जब अब अपराधी को ये सजा दी, वो ये प्रावधान दिया जा रहा है कि वो पढ़ाई करेगा, वो क्लास में जाएगा, वो ये करेगा, इन सबसे ज्यादा कोर्ट को अगर ध्यान देना है तो सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दे कि इस केस का जो ट्रायल है वो कितनी जल्दी कंक्लूड हो सके, कितनी जल्दी हो सके। जैसे अभी खान साहब ने खुद बताया कि 6,500 पेज की चार्जशीट है, आज उसका पेन ड्राइव मिला, पेन ड्राइव में डबल पेज है। तो ये सब चीजें तकनीकी बातें हैं, इन सब तकनीकी बातों को चलते 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 चलते, छोटी छोटी बातों को चलते चलते ट्रायल क्या होता है वो बढ़ता जाता है, चीजें जो है आगे होती नहीं है। तो इन सब चीजों को कोर्ट पहले से ध्यान रखे और कोशिश करे कि जितनी भी बातें, जो छोटी छोटी बातें जिनके लिए हम कहते हैं डेट लग जाती है, आज क्या हुआ कोर्ट में गए तारीख लग गई, कोर्ट में गए तारीख लग गई, तो ये तारीख लगने वाला जो सिचुएशन है ये अपने आप में उस समाज में उस पीड़ित पक्ष के लिए बहुत ही हतोत्साहित वाली बात है। उनका जो मन है वो बहुत टूट जाता है कि न्याय नहीं हुआ, आज छोटी सी बात पर डेट लग गई। तो इन सारी बातों को की जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ध्यान रखे और उनके ध्यान उनको चलते हुए वो कोशिश करे कि इस केस को फास्ट ट्रैक में भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके इतने सारी जो आप देखेंगे ये जो 6,500 पेज की चार्जशीट है, अगर 6,500 पेज की चार्जशीट नॉर्मल तरीके से इसका ट्रायल चलेगा तो खान साहब बैठे हैं, खान साहब भी समझ लीजिए अब से कम 15 साल, 10 से 15 साल कहीं नहीं गए, और 10 से 15 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होता है तो मर्डर केस के अंदर फिर आप देखिए, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं संध्या जी, अब से 10-15 साल तो बहुत दूर की बात है, 10-15 दिन बाद भी हम लोग शायद इस विषय पर चर्चा ना कर रहे हो। तो बहुत जरूरी है, अधिकार सबसे बड़ा जो अधिकार है वो पीड़ित पक्ष का है, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए, उनके न्याय की तो कोई बात ही नहीं करता है। कोर्ट के अंदर जो बात होती है तो प्रोसिक्यूशन होता है या डिफेंस होता है, तो पीड़ित पक्ष को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको अधिकार ये है कि उनको उनका जो न्याय है वो सब, हम ये तो नहीं कह रहे, मैं एक वकील के तौर पे ये नहीं कह रहा कि एक अपराधी को बिना किसी ट्रायल चलाए बिना किसी बात के फांसी दे दो, लेकिन मैं जरूर खान साहब से भी कहना चाहूंगा न्याय के लिए, ऐसा नहीं है ये तो मेरे ख्याल से ये भी इस बात को इनकार नहीं करेंगे, अगर फास्ट ट्रैक में जाता है तो इस बात की इनको भी कोई एतराज नहीं होगा, न्याय का अधिकार इनका भी है, न्याय का अधिकार पीड़ित पक्ष का भी है, पीड़ित सबको न्याय मिले और जितनी जल्दी न्याय मिले उतना न्याय व्यवस्था में हम सबकी जो है आस्था और ज्यादा बढ़ेगी।